हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ सुष्मिता। मैं एक हेयर ब्लॉगर हूँ और हेयर स्टाइल्स और हेयर केयर पर वीडियोस बनाती हूँ। एक ज़माना था जब बालों का गिरना और बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे की निशानी माना जाता था, लेकिन आजकल टीनेजर्स यानी कि 13 से 19 साल के बच्चे हेयर फॉल और हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या किया जाए? अगर आपकी फैमिली में या आपके जानने वालों में कोई ऐसा टीनेजर बच्चा है जिसके बाल असल में सफ़ेद हो रहे हैं या जिसके बाल गिर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। टीनेजर्स में प्रीमेच्योर ग्रेइंग और हेयर फॉल का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सल रीज़न मैं बोलूँगी वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सेसिव जंक फूड कंजम्पशन। इसे आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि कोई छोटा सा पौधा है जिसे बढ़ने के लिए खाद और पानी चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन, और उसे आप पानी की जगह कोला पिलाते हैं तो क्या होगा? बढ़ना और फल फूल देना तो छोड़िए, वो तुरंत ही डिके होना भी शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो टीनेज बॉडी होती है वो बहुत सारे हॉर्मोनल और फिजिकल चेंजेस से गुजर रही होती है। उस समय उसे एक विटामिन और मिनरल रिच डाइट की ज़रूरत होती है। हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करने वाले मिनरल्स हैं आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस वगैरह, बिसाइड्स क्रिटिकल विटामिन्स जैसे कि विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन सी एक्सेट्रा। बहुत सारे टीनेजर्स सिर्फ और सिर्फ जंक फूड ही कंज्यूम करते हैं जिससे उनके हेयर और स्किन को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, उल्टा एक्ने की और हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके घर में भी बच्चे बहुत एक्सेसिव जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें हेल्दी फूड की तरफ कैसे इंस्पायर करें? आप अपने रेगुलर हेल्दी फूड्स को कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दे सकते हैं जिससे वो उसको खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए एंथुजियाज्म दिखाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मूंग और चने के जो स्प्राउट्स होते हैं दे आर सुपर फूड्स, उसमें आयरन, फॉलिक के साथ साथ में बहुत सारे मल्टी विटामिन्स इंक्लूडेड होते हैं, तो ये बच्चे यूजुअली कंज्यूम नहीं करते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक अ वेरी वेरी स्पाइसी चाट आउट ऑफ इट। उसमें आप उनके फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चॉप करके डाल सकते हैं, चाट मसाला, नींबू, वट एवर दे लाइक, जस्ट मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी टेस्टी। स्प्राउट चाट एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग स्नैक ऑप्शन है जो आप बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर वो फ्रूट्स नहीं लेते हैं तो उसका स्मूदी बना के उनको दे सकते हैं। टीनेजर्स में हेयर फॉल का जो सेकेंड मेजर रीजन है वो है थायराइड और PCOS। इस एज में हार्मोन के जो डायनामिक्स होते हैं बॉडी में वो चेंज हो रहे होते हैं और स्पेशली गर्ल्स को थायराइड और PCOS की प्रॉब्लम इसी समय से ट्रिगर होना शुरू होती है। सो पेरेंट्स, अगर आपने ये नोटिस किया है कि आपकी डॉटर को वेट गेन, एक्सेसिव एक्ने, इरेगुलर पीरियड्स या हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है, सो इमीडिएटली गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर सो दैट यू कैन गेट योर डॉटर टेस्टेड फॉर PCOS एंड थायराइड। जो भी प्रॉब्लम होगी वो इनिशियल स्टेज पर ही अगर डायग्नोस हो जाती है सो उसका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट रिसीव हो सकता है। सो या ध्यान रखिए, अगर बच्चों में कुछ भी इस तरह के चेंजेस अगर आपको नजर आ रहे हैं सो इमीडिएटली गो एंड सी अ डॉक्टर। टीनेजर्स में हेयर फॉल का जो नेक्स्ट रीजन है वो है एलोपैथिक मेडिकेशन फॉर एक्ने। ये मेरे साथ भी हुआ था मेरी टीनेज में, जब मुझे एक्सेसिव ऑयलीनेस फेस पे और एक्सेसिव पिंपल्स की प्रॉब्लम थी और एवरी टाइम आई यूज टू गो फॉर एलोपैथिक ट्रीटमेंट मेरे हेयर फॉल भी होना शुरू हो जाता था। सो दिस इज एक्चुअली अ फिनोमिनन जो काफ़ी लोगों के साथ में होता है। अगर आपको भी ऐसा हो रहा है सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू दैट इंस्टीड ऑफ एलोपैथी गो फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट काफ़ी सेफ होता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। रीज़न नंबर 4 है केमिकल ट्रीटमेंट्स एंड कलरिंग। इस एज में पीयर प्रेशर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई टीनेजर्स आर ऑफन टेम्पटेड टू ट्राई आउट फंकी हेयर कलर्स एंड हेयर स्टाइल्स। एक्चुअली जो हेयर ब्लीच करवाते हैं बाल कलर्स को पॉप करने के लिए, उससे बाल सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी फ्रेंडली डिस्कशन विद योर चिल्ड्रन, ट्राई टू एजुकेट देम कि इतनी यंग एज में बहुत ज़्यादा डैमेजिंग ट्रीटमेंट्स ना करवाएं। रादर देन पूरे बालों को कलर करवाने के बजाय वो कुछ क्लिप ऑन एक्सटेंशन ट्राई कर सकते हैं या कुछ स्प्रे कलर्स ट्राई कर सकते हैं जस्ट फॉर द इफेक्ट एंड फन। इससे उनके बाल भी डैमेज नहीं होंगे और उनका शौक भी पूरा हो जाएगा।
रीजन नंबर 5 फॉर हेयर ग्रेइंग एंड हेयर फॉल अमंग टीनेजर्स इज हेयर इन्फेक्शंस। कई बार जो फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते हैं आपस में हेलमेट्स, स्कार्फ्स, कैप्स, बिंदाना वगैरह शेयर करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं इन चीज़ों के साथ में इन्फेक्शन भी स्प्रेड होता है। अगर आपको आपकी स्कैल्प में किसी तरह की इचिंग या एक्सेसिव डैंड्रफ या हेयर फॉल या सफ़ेद हो रहे हैं बाल, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है, सो इमीडिएटली गो एंड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। हम कई बार इन्हें माइनर प्रॉब्लम समझ के इग्नोर करते जाते हैं और आगे चल के ये एलोपेसिया में भी चेंज हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप शुरुआत में ही किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर प्रॉपर कंसल्टेशन लें, और अगर आप किसी भी तरह की हेयर एक्सेसरी, हेलमेट्स वगैरह शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, सो ट्राई टू अवॉइड दैट। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, स्पेशली जो मॉम्स हैं हु आर ऑलवेज वरीड अबाउट देयर टीनेज चिल्ड्रन। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।